तो फैमिली कैसे हैं आप? तो आज हम करने वाले हैं हमारी DMDF और जर्नी वाली रीडिंग, और ये रोज़ चलने वाली है। मैं थोड़ा सा एक शेड्यूल लगाना चाहती हूँ। DMDF और जर्नी वाली रीडिंग या तो आपको मिलेगी या तो पिकअप पॉइंट मिलेगा। ट्विन फ्लेम पे आपको एक वीडियो ज़रूर रोज़ मिलेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स है मेरे चैनल में और मैं चाहती हूँ कि उनको रोज़ उनका जो है मैसेजेस मिले। उसके अलावा मैं यहाँ पर मंथली रीडिंग्स चलेंगे, जो हर मंथ के सब बिगिनिंग पे आप लोगों को जोडियक वाली लाइव रीडिंग मिल जाएगी। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है आप लोगों को 2 बार हफ्ते में मिल जाएंगे, वेनसडे और संडे को। या तो मतलब हम एडजस्ट करके देख लेंगे, वेनसडे और संडे को कर सकते हैं, या तो वेनसडे को कुछ और संडे को कुछ और। फिलहाल के लिए वेनसडे के लिए मैंने लाइव Q&A ही रखा है। ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चंस वेनसडे को आकर पूछ सकते हो 6 to 7। फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है मंथली जोडियाक रीडिंग करेंगे। DMDF चलता ही रहेगा, साइमल्टेनियसली पिकअप आइल रीडिंग्स चलते रहेंगे, और मैं इस बार हर बार एक न्यू पिकअप आइल टॉपिक जो है इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ आप लोगों को। जो टॉपिक आप लोग के साथ रेजोनेट करे, आप उस टॉपिक को ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक रूटीन लग जाएगा इस चैनल पे। सिर्फ ट्विन फ्लेम नहीं होगा, सिर्फ मतलब दूसरों के रीडिंग्स नहीं होंगे, सब लोगों को एक मतलब जो है अपनी मैसेजेस मिले इस चैनल पे, उसके लिए मैं वर्क करूँगी। जिनको एंजल मैसेजेस पसंद है उनके लिए एंजल मैसेजेस भी चलते रहेंगे, अल्टरनेटिव डेज पर कुछ ना कुछ एंजल मैसेजेस उनको मिलते रहेंगे। जैसे आज मिला है तो कल परसों में एक परसों एक एंजल मैसेज रीडिंग करूँगी पिकअप आइल की। वो पिकअप आइल में होगा कुछ और रीडिंग तरीके, अगर मुझे पता चले तो मैं वो रीडिंग्स भी करूँगी उनको। एंजल रीडिंग्स को मैं ट्विन फ्लेम्स में भी इंक्लूड करके ट्विन फ्लेम एंजल गाइडेंस करूँगी, उसके लिए अलग रीडिंग होगा। तो ये जो है मैं अब बहुत ज़्यादा स्कैटर और वाइड परसेप्शन करना चाहती हूँ इस चैनल का, सिर्फ एक चीज़ पे नहीं अटका के रखना चाहती हूँ। ठीक है, फिर रेकी भी चलती रहेगी। जब मैं रेकी वीडियोस री इंट्रोड्यूस करूँगी तो हर ऑल्टरनेटिव डे पे या हर रोज़ कोई ना कोई एक रेकी वीडियो आप लोगों को मिलता चला जाएगा। ठीक है, आप लोगों को वो टॉपिक पे रेकी चाहिए तो आप लोग वो टॉपिक पे रेकी ले सकते हैं। प्लस मैं और भी हीलिंग टेक्निक्स और मोडालिटीज़ को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ इस चैनल पर, तो वो भी चलते रहेंगे। ठीक है, कभी कभी मैं लाइव रीडिंग भी लाइव हीलिंग भी देना पसंद करूँगी, कि भाई सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए एक लाइव के लिए मैं आई हूँ ट्विन फ्लेम लाइव, और मैं अनाउंस कर दूँगी। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस संडे को इंस्टेड ऑफ Q&A को मैं इस बार वेनसडे को शिफ्ट कर रही हूँ 6 to 7, और संडे को 6 to 7 मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए लाइव आऊँगी और उन लोगों के लिए एक लाइव रीडिंग करके उन लोगों के लिए एक हीलिंग सेशन रखूँगी लाइव में। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए रहने वाला है 6 to 7 इस संडे। ठीक है, देखते हैं कि कैसा जाता है, उसके ऊपर अपन हम डिपेंड करेंगे, और उसी के ऊपर हम जो है मतलब डिसाइड करेंगे कि अगर हमें ऐसे और रीडिंग्स करने हैं कि नहीं। तो आज हमारा जो है DMDF और जर्नी वाली रीडिंग है। ठीक है गाइज, मैं बोल के थोड़ा सा फ्री हो फील कर रही हूँ, मेरा गला थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, बिकॉज मैं अपना ट्रुथ बोल रही हूँ आप लोगों से, अपना रियल पॉइंट कम्युनिकेट कर रही हूँ। लेट्स गेट रियल ऑन द चैनल। और सिर्फ एक ही तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, हम लोगों को वाइड वेरीड नॉलेज चाहिए। तो ये जो है कार्ड्स मैं अभी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए यूज़ करने वाली हूँ, और ये कार्ड जो मैं डिवाइन फेमिनिन्स के लिए यूज़ करने वाली हूँ। हाँ, रूनस बोलना भूल गई थी, रूनस की भी रीडिंग साइमल्टेनियसली चलती रहेगी। ठीक है, कभी ना कभी मैं उनको ट्विन फ्लेम में इंक्लूड करूँगी, कभी नहीं करूँगी, तो देखते हैं क्या होता है। कभी मैं उनके लिए सेपरेट रीडिंग्स बनाऊँगी, आप लोग सब देखिए, आप लोग के लिए हर वीडियो में कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। तो चलिए, मैं जो है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, कार्ड फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, ये कार्ड्स है फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन। अभी हम निकालेंगे कार्ड्स फॉर द डिवाइन फेमिनिन, फॉर द डिवाइन फेमिनिन। मैं उसको नहीं रेस्ट्रिक्ट
करने वाली हूँ कि कितने कार्ड्स चाहिए, जितने कार्ड्स आना चाहते हैं आ सकते हैं हमारे चैनल पे। प्लस मैं निकालने वाली हूँ रोमांस एंजल्स फॉर द डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, और मैं यूज़ करने वाली हूँ हमारे डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन। जैसे मैं गाइडेड होंगी गाइस, मैं वैसे वैसे आप लोगों के लिए रीडिंग करती जाऊंगी। आप लोग को उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सिर्फ चिल कीजिए और जो आप लोग के लिए मैसेजेस है, जो आप लोगों के लिए रीडिंग्स है, आप लोग उसको इंजॉय कीजिए और सपोर्ट कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और जो है ये सब जो हो रहा है आप ही के लिए हो रहा है, तो इस चीज़ को जो है आप लोग एब्जॉर्ब कीजिए, ठीक है। देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन हमें क्या कहना चाहते हैं, वो मैं इसमें से लेने वाली हूँ, मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन का आज का क्या सिचुएशन है, मुझे यहाँ पे तीन कार्ड्स निकल के आए हैं, मैं तीन कार्ड्स रखने वाली हूँ और फिर डिवाइन फेमिनिन के लिए मैं रोमांस एंजल्स यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं रोमांस एंजल्स फॉर द डिवाइन फेमिनिन क्या निकल के आते हैं वो देखते हैं हम। तो चलिए हम जो है डिवाइन मैस्कुलिन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप लोगों का फेवरेट डिवाइन मैस्कुलिन है और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में जानना चाहते हैं। तो पहले डिवाइन मैस्कुलिन को लेंगे, फिर डिवाइन फेमिनिन को, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कह रहे को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आ रहा है, और ये जो टावर मोमेंट्स, जो ट्रबल टाइम्स उनके लाइफ में चल रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ ज़्यादा ही ट्रबल्ड टाइम्स चल रहे हैं, और उस ट्रबल्ड टाइम्स से जो है उनको करेज मिल रहा है बाहर आने के लिए। लेकिन जो है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो अपने लाइफ के ऊपर ज़्यादा मतलब पॉजिटिव फील कर रहे हैं या होपफुल फील कर रहे हैं या मतलब कुछ पॉजिटिविटी उनको लग रही है। यहाँ पे पॉजिटिविटी होप फेथ का कार्ड रिवर्स में है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, तो ये एक है कि वो टावर मोमेंट से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, ट्रबल टाइम से अपने आप को बाहर निकालने के लिए स्ट्रेंथ जो है उनको मिल रहा है और वो इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। जैसे मेरा, जैसे देखो हमारे पास एकदम सही मैसेज आया है, माई हार्ट इज़ टेलिंग मी जस्ट डू इट। तो कुछ कुछ चीज़ें करने के लिए उनको स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है। आई फील डैमेज लाइक आई जस्ट कैन डू दैट, मे बी वी आर टू डिफरेंट। तो ये उनका पहले का पर्सपेक्टिव था, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सपेक्टिव था उनका, आई फील डैमेज लाइक आई जस्ट कैन डू दिस, ने टावर मोमेंट को लाया है पिक्चर में, और इस चीज़ के वजह से जो है अभी उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है और अभी उन लोगों को लग रहा है कि मतलब आई शुड जस्ट डू दिस, माई हार्ट इज़ टेलिंग मी जस्ट डू दिस। तो उनके अभी आप लोग के डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए यही हो रहा है कि उनके लाइफ में अभी फ़िलहाल प्रेजेंट मोमेंट में स्ट्रेंथ आ रहा है उनको ये चीज़ों से बाहर निकलने का, और मतलब जो है उनको मतलब साइन सिंबल सब मिल रहे हैं कि उनको ये काम करना चाहिए, बट वो होपफुल और पॉजिटिव कहीं भी नहीं है क्योंकि वो इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। और स्लोली स्लोली हम देखेंगे कि सिचुएशंस जो है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए चेंज होंगे, और वो भी काफ़ी जो है अभी उनको साइन सिंबल सब मिल रहे हैं, उनको इंट्यूशन मिल रहा है, उनको गाइडेंस मिल रहा है, तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है सिचुएशन से बाहर ज़रूर आएंगे। मैं डिवाइन फेमिनिन के लिए यहाँ पे कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को भी बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, ठीक है।
बट बहुत फियर और इल्यूजन्स है आपके माइंड में आप लोगों को, अगर आप लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपने में देख रहे हो और आपके साथ वो नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप लोगों के साथ वो नहीं बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब वो आपको कोई प्यार नहीं करता, कोई आपको नहीं चाहता, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास वापस नहीं आना चाहते। ये मेंटल ब्लॉक से बाहर निकलिए, ये मेंटल ब्लॉक से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग ऐसा फील कर रहे हो, न्यू पर्सपेक्टिव में आइए, निकलिए, देखिए कि ये 3D इज़ जस्ट अ इल्यूजन, ये थर्ड डायमेंशन जिसमें हम लोग रह पड़े हैं इट्स जस्ट अ इल्यूजन, ठीक है। और हम लोग जो है हैंग्ड मैन पोजिशन में न्यू नॉलेज मिल रहा है हमको, जैसे मैंने कहा कि इस चैनल में आप लोगों को न्यू नॉलेज मिलेगा, आपसे न्यू वीडियोस बनाऊंगी मैं, न्यू मेडिटेशन टेक्निक सब कुछ बनाऊंगी मैं, तो आप लोगों को न्यू नॉलेज मिल रहा है, वो आप लोग के लिए एक डिवाइन गाइडेंस है फ्रॉम अबव, उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने लाइफ को चेंज कीजिए, इस ब्लॉक्ड मेंटालिटी से जो है बाहर निकलिए। मुझे कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारे लोग जो है कंट्रोल इश्यूज लेकर बैठे हैं, डिवाइन फेमिनिन लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग चाहते हो कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है आप ही की तरह मतलब रिएक्शंस दे, तो आप उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपके पार्टनर या आपके लाइफ पार्टनर, आपके सोलमेट को भी आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इसके लिए। और आप लोग फॉरगिविंग और लर्निंग एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं हो अभी। ये जो है एक ग्रुप जो आया है अभी, जो न्यू ज्वाइन किए हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मतलब फॉरगिव करें अपने पास्ट को और लेट गो करें और मतलब नया लर्न करें। मैंने एक कल ही जो वीडियो डाला है ट्विन फ्लेम असेंशन के लिए, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो और आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आप अगर न्यू हो, तो मैंने एक न्यू मेडिटेशन डाला है टू लेट गो, ठीक है, ऑफ पास्ट एंड यू नो, आप उससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो आप लोगों को अगर इनर चाइल्ड प्रॉब्लम्स है और आप लोगों का टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहे हो आप लोग, तो आप लोग के लिए अगर आप लोग को ऐसा लगता है इट इज़ नॉट सेफ टू लव, ठीक है, ये यहाँ पे है, ओपन योर हार्ट एंड गिव टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ये रिवर्स में आया, मीन्स मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग यॉल आर नॉट ओपन टू रिसीव लव। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में इस चैनल पे अभी आए हो, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मेडिटेशन करें, लव अपने आप को दे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करे। ट्विन फ्लेम असेंशन सीरीज बनाया था मैंने, वो आप लोग को वीडियोस में मिल जाएगा, इसी चैनल पे मिल जाएगा, उसको आप मतलब फॉलो कीजिए इस असेंशन सीरीज को। अगर आप लोग चाहते हैं तो रेकी लीजिए, वो भी आप लोग को इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस चैनल के। तो आप लोग कुछ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप लोग नए आए हो यहाँ पर इस चैनल में, बहुत सारे नए लोग आए हैं और उनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा अलग है, और वो अभी मतलब आप लोग इस चैनल को ज्वाइन किए हो, तो आप लोग को जो ऑलरेडी इस चैनल पे है उनकी एनर्जी थोड़ी सी अलग है आप लोगों से। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो नए आए हैं उनके लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा सही मैच करने वाली है, क्योंकि जो इस चैनल पे काफ़ी समय तक रहे हैं उनके लिए जो है मैं ट्विन पिकअप आइल रीडिंग्स कर रही हूँ। अगर आप लोग ऑलरेडी इस फैमिली मेंबर के पार्ट हो, आप लोग इस फैमिली के मेंबर हो, तो आप लोग की एनर्जी ऑलरेडी एक काफ़ी टाइम से 4-5 महीनों से ये चैनल जो है चल रहा है, और इस चैनल पे बहुत सारे लोग ने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया हुआ है, तो उनका जो उन्होंने असेंशन सीरीज किया हुआ है, उन्होंने अपने ऊपर काम किया हुआ है, और मुझे पता है कि उनके लिए एनर्जी रीडिंग में क्या बाहर निकल के आने वाला है। ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है न्यू लोगों की एनर्जी है, और अगर आप लोग इस चैनल को देखते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये आपकी एनर्जी है। प्लीज़ अगर आप लोग देखते रहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इसका पार्ट, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब एज अ ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा असेंशन का चांसेस बढ़ जाता है इस चैनल पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में है, बहुत ज़्यादा ठीक है प्रॉब्लम्स में है, हीलिंग फैमिली इश्यूज। मुझे ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है जो ऑलरेडी इस डिवाइन फेमिनिन जिनको मैं जानती हूँ उनकी एनर्जी नहीं है ये,
बिल्कुल भी ठीक है. तो जो मेरे ऑलरेडी फैमिली मेम्बर्स रह चुके हैं आप लोग के लिए मैं एक ट्विन फ्लेम पिकअप आइल रीडिंग डालती हूँ. वो पिकअप आइल रीडिंग आप लोग के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी देन दिस रीडिंग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि ये रीडिंग न्यू जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए है. तो आई होप आप लोग को आज की रीडिंग अच्छी लगी. और ठीक है, अगर आप लोग ओल्ड भी हो और अगर आप लोग जो है स्विंग बैक कर गए हो बैक टू द कंट्रोल इश्यूज और ये सब, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग ट्रिगर हो चुके हो. चलिए हम जो है थोड़े से मैं यस मैं कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ ये वाले टू सी कि क्या चीज़. अगर आप लोग ओल्ड हो, अगर आप लोग ये लाइव चैनल देखते रहते हो तो देखना चाहती हूँ कि मैं क्या है जो आपको ट्रिगर किया है और आप लोगों को इल्यूजन में वापस डाल दिया है. अगर आप लोग ओल्ड हो और आपको ये रेजोनेट कर रहा है तो नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस चैनल पे डिवाइन फेमिनिन्स है वो ऑलरेडी मेडिटेट करते हैं और मैजिशियन है. दे आर क्रिएटिंग देयर ओन लाइफ, दे आर स्टैंडिंग इन देयर ओन पावर. तो ये रीडिंग जो है डेफिनेटली नहीं रेजोनेट करने वाला है जो ऑलरेडी इस चैनल पे है उनके लिए. तो आप लोगों को वरी करने की ज़रूरत नहीं है. आप लोगों को जो है मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक पिकअप आइल करेंगे जो आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, चैनलिंग द डीएम एंड डीएफ टुगेदर जैसे हम करते हैं. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय.